32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड निवासी मृतक अजीत विश्वास के परिजनों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। रिश्तेदारों की मदद से परिवार का भरण पोषण चल रहा है। अजीत विश्वास का शव बीते 18 फरवरी को हाउसिंग बोर्ड के नाले में संदिग्ध हालत में मिला था। घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति की मौत हो जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में गरीबी रेखा के तहत बने आवास में अजीत विश्वास अपनी पत्नी और 3 पुत्रियों के साथ निवासरत थे और रोजी मजदूरी कर घर का भरण पोषण किया करते थे। बीते 18 फरवरी को अजीत विश्वास का शव संदिग्ध परिस्थिति में हाउसिंग बोर्ड के नाले में मिला था, जिसकी जांच पड़ताल जामुल थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। अजीत की मौत के बाद परिवार असहाय हो चुका है, साथ ही दाने दाने का मोहताज भी हो गया है, लेकिन इनकी मदद के लिए अब तक कोई आगे नहीं आया है। पढ़ने लिखने वाली बच्चियों की पढ़ाई भी अब अधर में लटक चुकी है। छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सील ने सोमवार को पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और परिवार के सदस्यों से चर्चा कर समाज की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अजीत विश्वास की पत्नी स्वरूपा विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ में रहते हैं। मैं स्वरूपा विश्वास, अजीत विश्वास मेरा पति थे, उनको एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। क्या एक्सीडेंट हो गया था, कैसे हो गया था? पुलिया से नीचे गिर गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हो गया है। हमारा परिवार अब वही अकेला कमाने वाला था। अब मैं 3 लड़की, मेरे सास है साथ में। किसी तरह की कोई मदद मिली क्या अभी? नहीं मिली। आप क्या अपील करते हैं प्रशासन से? कुछ भी, कोई मदद हो जाए, मेरे को कोई काम मिल जाए, तो मेरे 3 लड़की है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने मामले की जानकारी दी। 18 फरवरी को अजीत विश्वास, जो कि 32 एकड़ अम्बेडकर नगर में रहते हैं, यहाँ की करीब 2:30 बजे उनका पुल से गिरने से या किसी अचानक से उनका दुर्घटना घटा है। उसके उपरांत, जबकि कई 4 दिन के उपरांत हमारे बंगाली समाज के द्वारा जानकारी मिली कि एक बंगाली समाज का सदस्य जो यहाँ निवास करता है, उनका मृत हो चुका है। जब घर में पहुँचे तो उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, क्योंकि उनके 3 पुत्री और उनके साथ में उनकी विधवा माता जी निवास करते थे और साथ में एक पत्नी, वही एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। उनके चले जाने से जहाँ उनके परिवार में आज बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, परंतु इस परिस्थिति में शासन के द्वारा और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यक्ति इनके परिवार से मिलने आया है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि इन घटना में एक मुआवजा राशि प्राप्त होता है, वह मुआवजा राशि भी अभी तक इन परिवार को नहीं मिला है। इसके संबंध में जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के उपरांत जिला कलेक्टर को इस घटना की जानकारी से अवगत कराया जाएगा और इस परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा राशि दिलाने का प्रयत्न छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज की ओर से किया जाएगा। बहरहाल पीड़ित परिवार ने सामाजिक संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।